हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं एल्फ्स गुडनेस, इसका एल्फ्स गुडनेस स्विस प्लस स्विस लव बर्गंडी हीना पुलवर का फुल रिव्यू करेंगे। साथ में हम लोग इसकी एप्लीकेशन शेयर करेंगे कि कैसे आप अपने हाथों से खुद से अपने बालों पे मेहंदी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बगल में घर बन रहा है, तो इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, ये है एल्फ्स गुडनेस का हीना पाउडर, ये बर्गंडी हीना पाउडर है। मतलब इनका कहना है कि ये एक बर्गंडी कलर देता है आपके बालों में। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके पैकेजिंग की, तो इसके पैकेजिंग एज इट इज़ जैसा आप देख रहे हैं इसी तरह का पैकेजिंग आता है। प्लस इसके अंदर एक और पैक आता है जिसको मैंने अभी यूज़ कर लिया है, मतलब लगा लिया अपने बालों में, और बट वीडियो उसकी बन चुकी है। तो फर्स्ट हमारा है इम्पार्ट्स रिच कलर टू योर हेयर, आपके बालों में बहुत अच्छा कलर देता है, हाइड्रेटिंग रखता है, कंडीशनिंग रखता है और रिपेयर करता है आपके हेयर्स को। हैज़ नेचुरल एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज, वर्क टू कूल एंड सूट योर स्कैल्प, इज एन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स, ये सारे हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे यूजेस लिखा है, ये 80 रुपीज़ का पैक है, लेकिन आप जब purple.com से ख़रीदते हो, बाई करते हो, तो वहाँ पे ऑफ़ कोर्स कोई ना कोई ऑफ़र होता है, तो ये आपको 60 या 65 टू 70 ऐसे मिल जाता है, बट 80 रुपीज़ का है। और ये है इसका नेट रेट, तो यहाँ नहीं दिख रहा मुझे, हाँ तो ये 50 ग्राम्स का इसका पैक है। तो अगर आपके बाल लॉन्ग हैं, लाइक मेरे जितने ऐसे लॉन्ग बाल हैं आपके, तो आपको ये 50 ग्राम्स का पैक इनफ नहीं है, आपको 100 ग्राम वाला पैक लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें 50 ग्राम्स वाला लगाया था तो मुझे थोड़ा कम पड़ गया मेरे बालों में। तो अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो 50 ग्राम्स इनफ है, बट लॉन्ग हेयर है तो 100 ग्राम्स का आपको मंगाना पड़ेगा ये। बस बाकी इसके कॉजेंस और यूजेस लिखा है, जो कि अगर आप इसको बाय करेंगे तो आप कॉर्स आप पीछे देख सकते हैं। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अभी नहीं कर रही हूँ मैं, इसका एप्लीकेशन मैंने मॉर्निंग में किया था, उसका वीडियो मैंने बना लिया। तो चलिए वीडियो को की क्लिप को हम लोग ऐड करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम देखना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे मेहंदी को पहले से ही मॉर्निंग में ही भिगाया था, 2 घंटे पहले लोहे की कढ़ाई में, जिससे कि कलर अच्छा आता है। लेकिन मैंने रात में इसलिए नहीं भिगाया क्योंकि मुझे लगा कि बरगंडी कलर देगा ये, तो तुरंत जब लगाना होगा तभी इसको मैं भिगा दूँगी। तो इसको मैंने 2 घंटे पहले फिर भी भिगा दिया था। और इसके बाद मैंने अपने बालों को टेंगल फ्री कर लिया है और पार्टीशन कर लिया है बीच से, ताकि बालों को निकालने में ईजी रहे। तो सबसे पहले हमको अपने बाल सबसे ऊपर बीच से थोड़े से लेने हैं, थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लेकर बालों पे मेहंदी लगानी है, रूट्स पे भी हमें लगानी है मेहंदी यहाँ पे, और स्ट्रेंथ में भी लगानी है, पूरी जितनी लेंथ हो आपकी अपनी उस लेंथ में काफ़ी अच्छे से लगाइए। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक राउंड करके एक सेंटर पॉइंट बना लेना है, या फिर एक जूड़ा बना लेना है। और ये जो जूड़ा होगा ये थोड़ा सा टाइटली इसको बांधना होगा, क्योंकि इसी पे आपका पूरा जो पूरे हेयर का बर्डन होगा, इसलिए आपको ये काफ़ी अच्छे से इसको सिक्योर करना होगा, टाइट बनाना होगा। इतना करने के बाद में आपको इसके ऊपर हमें मेहंदी लगा देनी है। और उसके बाद आपको एक और सेक्शन लेना है अपने राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, जिस साइड से भी आप लेना चाहें वो लेना है, और उसमें सेम प्रोसेस से मेहंदी लगानी है, रूट से लेके स्ट्रेंथ तक अच्छी तरह से पूरे बालों पे। मैं यहाँ पे ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि खुद से ब्रश के साथ लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और आपको इसी तरह से थोड़ा सा खींचते हुए बालों को इसी जूड़े में एक और फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर मेहंदी लगा लेनी है।
नेक्स्ट हम जो बाल लेंगे वो लेफ्ट साइड से लेंगे, मतलब एक बार राइट से लेना है, एक बार लेफ्ट से लेना है, मतलब अपोजिट अपोजिट साइड से लेना है। तो अब मैंने दूसरी साइड से भी अपने बाल ले लिए, थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लेना है जिससे मेहंदी जो है इवनली आपके बालों में लग जाए और रूट से लेके एंड तक काफ़ी अच्छे से लग जाए। और सेम उसी प्रोसेस में इसको फोल्ड कर देना है। पूरे बालों में हमें इसी तरह से मेहंदी लगानी है, थोड़ा थोड़ा से बाल आपको लेने हैं और लगाना है। पूरे बालों का प्रोसेस सेम ही होगा, एक बार लेफ्ट से आपको लेना है, एक बार आपको राइट से लेना है और स्टार्टिंग से एंड तक के काफ़ी अच्छी तरह से आपको लगा देना है। और जूड़ा बनने के बाद आपको ऊपर भी इसके मेहंदी लगानी है, जैसे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पे ही बताया था, जिससे कि अगर कहीं बालों में रह जाए तो वो अच्छी तरह से दूसरी लेयर में लग जाए। और इस तरह से मैंने पूरे बालों को ले लिया है। आगे के बाल आपको लास्ट में लेने हैं। और इस तरह से जूड़ा बनाने से जब आप हेयर अपने वॉश करते हैं तो काफ़ी आराम से आपके हेयर वॉश भी हो जाते हैं, एक एक लेयर आराम से निकलती जाती है। और मेरी मेहंदी ना यहाँ पर थोड़ी सी कम पड़ गई थी, वरना मैं इस जो आगे वाले जो बाल हैं ये वाले उसमें भी मैं दो तीन सेक्शन इसे भी मैं दो तीन सेक्शन में कंप्लीट करती, लेकिन मेहंदी कम थी इसलिए मैंने सारा एक बार में ही ले लिया और सेम उसी तरह से एंड तक लगाया है काफ़ी अच्छे से। और दूसरी साइड में भी इसी तरह से लगा देना है आपको, और उसी जूड़े के ऊपर आपको इसको डाल देना है या कवर कर देना है। और अपने बालों पे आपके पास अगर मेहंदी हो तो पूरे बालों पे अच्छी तरह से आपको इसको लगा लेना है, जिससे कि अगर कुछ भी बालों में रह गया हो तो आप मेहंदी अच्छी तरह से आपके बालों में चली जाए। मेरे पास कम थी, इतनी ही बची थी तो आगे इतनी अच्छे से लग नहीं पाया है, वरना मैं पूरे बहुत अच्छे से मेहंदी लग जाती मेरे बालों का। जो कलर है वो अभी ये है। मैंने क्या किया, सिर्फ अभी नॉर्मल वाटर के साथ में अपने हेयर को वॉश किया है, शैम्पू इसमें नहीं किया है, कंडीशनर नहीं किया है, तो इसलिए आपको बाल थोड़े से रफ रफ से नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। तो कल जब मैं इसको शैम्पू एंड कंडीशनर करूँगी तो अगेन आपको दिखाऊँगी। तो ये है एक्चुअल कलर, बरगंडी बिल्कुल नहीं आया, जैसे नॉर्मल कलर होता है उसी तरह का कलर आया है। यहाँ पर मेरे बाल ब्राउन थे थोड़े से, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। बस बाकी जिस तरह के, मतलब मैंने सोचा था एक बरगंडी कलर जैसे कलर में आता है वैसा मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं मिला। तो ये था छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ वाली बेल बटन जरूर हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।